रविदास मंदिर को लेकर एक बार फिर जन हुजूम जो है वो सड़कों पर आया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, आज फिर एकत्रित हुए और इसमें अधिकतर लोग मुस्लिम समाज के भी थे। देखिए, इसमें बारी बारी करके सारे वे लोग जो अपेक्षित वर्ग है वो सारे के सारे आ रहे हैं। मुस्लिम समाज ने पूरे देश में जब रविदास मंदिर या तमाम जो धर्मस्थल रहे हैं उनकी स्थितियों पर जब देखा कि हालात एक जैसे हैं और जो 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 इंसानियत के जो दुश्मन हैं वे उनको और हमें दलितों को और मुस्लिमों को एक जैसा जो है मतलब कि तोलते हैं। जो व्यक्ति इस देश के अंदर जातिवाद, मनुवाद और वर्णवाद को जीवित रखना चाहते हैं वे ना तो मुस्लिम के गिलास से पानी पीते हैं ना हम दलितों के गिलास से पानी पीते हैं। मुस्लिम समाज ने इस बात को पहचाना और इस बात को जाना और वो इसीलिए जो है आज यहाँ पर जो है MB रोड है, यहाँ पर वो आया हुआ है। मुस्लिम समाज इस बात को पहचान गया कि आज़ादी से पहले इस देश के अंदर हमारी शासन प्रशासन के अंदर जमहूरियत के अंदर 33% भागीदारी थी, लेकिन आज ना वो रेलवे में नज़र आता है, ना वो DTC में नज़र आता है, ना वो तमाम जो महकमे हैं जो बड़े बड़े महकमे हैं जिनके नाम जुबान खुलते ही आ जाते हैं, ना उन महकमों में नज़र आता है। ब्राह्मणवाद ने इस देश के अंदर उनको भी बेरोज़गार कर डाला, उनको भी धर्महीन कर डाला। वो जब मस्जिद की बात करते हैं, हम लोग जब अपने धर्म स्थलों की बात करते हैं तो वो बराबर का अटैक करता है, जो मनुवाद है वो बराबर का अटैक करता है। और जो है मतलब कि मुस्लिम इस बात को समझ गया कि अगर हम भटके भटके रहेंगे, हम रूटे टूटे रहेंगे तो हमारी बात जो है इस देश में नहीं मानी जाएगी। अरे इस चिलमन से तुम झांको, इस चिलमन से हम झांके, इस चिलमन से, चिलमन कहते हैं पर्दे को, इस चिलमन से तुम झांको, इस चिलमन से हम झांके, अगर दलित की पिटाई होगी मुसलमान खुश होगा और मुसलमान की पिटाई होगी दलित खुश होगा तो बिखरे बिखरे लोगों को ये पीट लेंगे, अगर हम दोनों पिटे पिटे लोग इस देश के अंदर एक हो जाए तो पीटना सीख लेंगे। बाजरे की खिचड़ी में कभी भी दूध मिक्स नहीं होता, दूध इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्ट भैंस के नीचे से निकलता है, उसके अंदर क्रीम होती है और क्रीम की घमंड होती है, इस वजह से बाजरे की खिचड़ी में दूध मिक्स नहीं होता। बाजरे की खिचड़ी में जो छाछ मिक्स हो जाती है क्योंकि अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है तो छाछ भी रई की पिटी होती है। दोनों पिटे पिटे एक हो जाओ, इस देश में हर 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 हक को जो हम लोग ले लेंगे। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि मुस्लिम एक अलग समुदाय है लेकिन ये दलित तो ये हिंदू बताते हैं ना, दलितों को जितने भी हैं, तो फिर हिंदू पे ही अत्याचार क्यों करता है? दरअसल ये उनकी साजिश है। जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, मैं जो है भंगी समाज से हूँ, मेरी जो जाति है वो भंगी है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस पूरे देश के अंदर षड्यंत्र के तहत भंगियों को अलग कर दिया, पूरे दलित आंदोलन से, पूरे बहुजन आंदोलन से अलग कर दिया। किस तरीके से कर दिया कि वाल्मीकि नाम देकर भंगियों का ब्राह्मणीकरण जो है मनुवाद ने कर डाला और इसी तरीके से अलग कर दिया। इसीलिए जो है वो कुछ दलितों को जो हिंदू बोलते हैं और कुछ जो है गुमराह दलित, जिसको जो है दिशाहीन शूद्र काशीराम साहब ने कहा, वो दिशाहीन शूद्र जो है अपने आप को हिंदू मानकर उनको जो है कहते हैं कि हनुमान ने जो है राम और लक्ष्मण को कंधों पे बैठा लिया लेकिन उनको कंधे पर वो लादे फिरता है और उसे जैसे जैसे अकल आ रही है वो सुधर रहा है और आज जो है इस तरीके के आंदोलन में भागीदारी ले रहा है। तो अब समझ में आ रही है सारी चीज़? जी हाँ, अब समझ में आ रही है, दलित को भी समझ में आ रही है, मुस्लिम को भी समझ में आ रही है ये बात जो है पूरे बड़े पैमाने पर। अगर समझ में आती है तो फिर जैसे इलेक्शन होते हैं तो इतनी बड़ी जो समर्थन कैसे मिल जाता है, वोट कैसे मिल जाते हैं? साथियों, इस देश के अंदर जब जब पिटेगा, काशीराम साहब ने कहा कि जब जब बहुजन पिटेगा, उसमें मुस्लिम भी है, जब जब बहुजन पिटेगा जब तब सीखेगा। जो 21 तारीख को जो लाठीचार्ज किया है सीख गया पूरे देश के अंदर, उससे समझ में आया। पर सीखने के लिए पीटना ही क्यों जरूरी है? पीटना जरूरी है। क्यों पीटना जरूरी है? क्योंकि जब जब देखा कि भाई गोधरा में जो है मुस्लिम पिटता है, गोहाना के अंदर दलित पिटता है और 84 के अंदर सिख पिटता है, तो जो मतलब कि और जो छत्तीसगढ़ में जो है ईसाई पिटते हैं, तो जब ये जगह जगह पिट रहा है तो इससे जो है बहुजनों को अकल आ रही है कि ये लाठी चार्ज, ये डंडा जो है सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों तैर रहा है।
ये बात उसने जो समझ में आ रही है। तो इस सरकार में या पहले से ही ऐसा होता आया है? ये इस सरकार में, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जितनी खतरनाक उसकी मानसिकता है उसकी वजह से जो है वो उतनी तेजी से प्रहार करती है और उसका जो है असर हो रहा है कि आज दलित मुस्लिम जो है जाग रहा है। और चप्पा चप्पा गूंज उठा जय भीम के नारों से, हम दलित और मुसलमानों से, मोदी का दिल हिल रहा है क्योंकि दलित और मुसलमान मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो इनका अपना जनाधार क्यों तैयार नहीं हो रहा है? कोई इनका जनाधार निकल रही? इनका जनाधार तय हो रहा है। ये जो 21 तारीख का हो, ये प्रोटेस्ट हुआ, इसने पूरे देश के मुसलमान जो आज यहाँ पर MB रोड पे खड़ा हुआ है जागरूक कर दिया है। यहाँ पर सिख भी आया पंजाब का, यहाँ पर मुसलमान भी चारों तरफ का आया, यहाँ पर दलित पूरे देश का यहाँ पर आया, एकजुट हो रहा है और आने वाले समय में ये जमहूरियत की ताकत को भी पहचान जाएगा। जय कौम राजा नहीं, ते कौम ताजा नहीं, बहन कुमारी मायावती इस मार्ग बनवाती है और ये सरकार तोड़वाती है, इतना फर्क है, ये समझ में आ रहा है। चलिए।